The first term of an AP of consecutive integers is p square. तो consecutive integers पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि जो मेरा common difference है वो 1 है, ठीक है. और first term मुझे दिया हुआ है, ठीक है. तो a मुझे दिया हुआ है p square plus 1, common difference मुझे दिया हुआ है 1, और number of terms मुझे दिया हुआ है 2p plus 1 है, I think, ठीक है. The sum of 2p plus term of the series can be expressed as, ठीक है, fine है. तो sum निकालना है मेरे को s of 2p plus 1. तो s of 2p plus 1 क्या हो जाएगा, 2p plus 1 by 2 into 2 times a, यानी कि 2p square plus 2 minus number of terms है 2p plus 1, n minus 1 होता है ना, तो 2p into common difference which is 1. Make sense? तो देखो अंदर सबके पास 2 2 2 है ही सही, तो ये 2 उड़ जाएगा. तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 2p plus 1 into p square plus p, I think plus p आएगा, नहीं माइनस, एक सेकेंड, ये प्लस होता है फॉर्म में, क्या गड़बड़ करी मैंने, सॉरी सॉरी. तो p plus 1 makes sense, ठीक. अब या तो मैं इसको सॉल्व करूं या मैं कॉमन सेंस यूज करूं. देखो समझना, हाईएस्ट यहां पे p क्यूब जनरेट होगा जिसका कोफिशियंट होगा 2, ठीक. देखो यहां पे p क्यूब जनरेट ही नहीं हो रहा, ये आंसर गया. यहां पे जनरेट तो हो रहा पर कोफिशियंट 1 है, तो ये भी गया. अब ये दो बच गए. तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2p plus 1 का तो फैक्टर है मेरे पास, क्या इसका स्क्वायर ये होता है, नहीं, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं है. तो बचा कौन, ये, क्लियर है, ठीक है. तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी. आप चेक कर लेना, वैसे तो आ जाना चाहिए, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है, पर आ जाएगा वो.